हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे यार? थोड़ा एक्सपर्ट वाली बातें करेंगे और अपडेट बातें करेंगे और जानेंगे इस टूल के बारे में। ये RFAP टूल, आज मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ और एक मोबाइल भी यहाँ पर है मेरे पास और जिसमें रेडियो ऑफ है। सो कहते हैं कि ये RFAP टूल हमारे RFAP डाटा को स्कैन करता है और अगर RFAP डाटा ओके होता है तो ठीक है। सो आइए इसी को टेस्ट करते हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने वीडियो में हर चीज एक्सप्लेन की है। और बाकी जो अगर मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो मेरे ग्रुप से मेरे इस टूल की लिंक ले सकते हैं। बाकी अगर किसी को टूल की लिंक चाहिए तो नीचे एक ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आप चाहें तो ऐड हो सकते हैं। फ्री का ग्रुप है और उसमें सोल्यूशन के लिए दूसरे को मदद करना और बाकी कोई नहीं, ठीक है? तो दोस्तों ग्रुप की बात छोड़ो, तो अगर हम बात करें यह है RFAP टूल। ये है बेसिकली ES32 आपका सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं। ये हमने परचेस किया अमेजोन से साढ़े चार सौ रुपये का। और ये प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको ब्लूटूथ किट और बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर भी आप परचेस कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से परचेस करना है। और इसमें बेसिकली हमें चार जंपर लेने होते हैं, तो चारों जंपर के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो का फायदेमंद आपको पड़ेगा और ये भी पता चलेगा कि वाकई में इससे कोई फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या पता इससे कोई फायदा मिले ही नहीं। अभी देखो इस फोन में ना रेडियो ऑफ है। सो आइए सबसे पहले मैं इस फोन का रेडियो ऑफ आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, तो फोन का रेडियो ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन भी कर देता हूं और वापस करता हूं और फिर से लाता हूं तो आप देखो कि ऑफ हो जाएगा, ठीक है? सो फोन का रेडियो ऑफ है। अब इस फोन में ये कितना आपको काम आ जाएगा तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपके सामने एक बार करके देख लेता हूं, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पहले मैं आपको सारे जंपर बता देता हूँ, फिर आखिरी में टूल ओपन करूंगा, ठीक है? तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में ध्यान रखिएगा, ये जो 22 नंबर का पिन है इस पर SCL की लाइन लगेगी, ठीक है? और ये जो 21 नंबर का पिन है इस पर SDA। सो आई होप कि आपको याद हो, नहीं तो लिख लो, 21 नंबर पे SDA और यहाँ पर 22 नंबर पे SCL, मतलब RFAP SD, RFAP SCL। और आप यहाँ पर जो 13 नंबर है, ये जो 13 नंबर दिख रहा है यहाँ पर, वो 13 नंबर पे आप 1.8 VIO लगा सकते हैं और ये ग्राउंड, ठीक है? तो सबसे पहले आइए जंपर मान लेते हैं। अब जंपर मानने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ सकती है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, ठीक है? सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ, पहले एक बार दिखा देता हूँ कहाँ जंपर मानना है। देखो ये आपकी PFO है, तो पहले हम PFO के RFAP डाटा को चेक करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर ये देखो, तो ये है आपका डाटा, ये है क्लॉक और ये है 1.8, ये तीन जंपर। तो ये तीन कैपेसिटर पे जंपर ले सकते हैं, यहाँ तो दो NF लगे मतलब निकल चुके हैं तो हमारे काम के नहीं है। और ये है, तो तीन कैपेसिटर है, क्लॉक, डाटा, ठीक है? और ये तीन जगह जा रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारे को काम आ जाएंगे। तो आई होप कि आप इससे बहुत अच्छा समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर रियल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो ही ऐसा टेलीकॉम आना, और अगर माइक, डिजिटल माइक और रिंगर और साउंड ये सब चेक करना है और बैटरी को बूस्ट करके मोबाइल डेड मोबाइल को ऑन करना है तो भाई हमारे पास मत आना, क्योंकि हमारा ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, हम बिलीव नहीं करते इन सब में। तो भाई और
अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम यूएसबी लगाएंगे। ठीक, तो ये देखिए यहां पर एलईडी ग्लो हो गई है, ये देखिए। ठीक है, अब इसका सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। तो हम आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो RFFE स्कैनर टूल मैंने ओपन कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसका कॉम पोर्ट बनाएंगे। अब जैसे मैंने क्लोज पे टिक किया, ये को पोर्ट यहाँ पे देखिए कॉम 24 पोर्ट बन रहा है। अब मुझे स्कैन पे टिक करना होगा और ये RFFE स्कैनर टूल मैं नीचे आपको व्हाट्सएप की लिंक पे दे दूंगा। बट व्हाट्सएप में वही एड हो जो दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ना हो और जो सिर्फ सीखने की भावना से आए। तो आप नोटिस करो यहाँ पे तीन आपको नंबर्स देख रहे होंगे, एक F जिसपे मैंने क्लिक किया है और एक डी जिस पर भी मैं अभी मैं क्लिक करने वाला हूँ और उसके अलावा एक फोर नंबर। तो ये तीन मतलब है RFE, क्योंकि अभी हमने जो IC पर जम्पर मारा है वो IC हमारी APT मॉड्यूलेटर 4GPFO और 2GPFO से जुड़ी हुई है। RFFE जो हमारे CPU इन तीनों को बेसिकली जुड़ा है। RFFE एक प्रोटोकॉल की जैसे काम करता है, जैसे I2C प्रोटोकॉल काम करता है। तो ये टूल सिर्फ इतना आपको बताता है कि ये ICयां सही हैं। अगर IC खराब होती या IC नहीं होती तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ये एक की जगह जीरो आते हैं। अगर आप यही चीज MediaTek में लगाएंगे तो पर्टिकुलरली हर IC पर आपको एक सिंगल नंबर ही देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ हम WTR या SDR पर लगाते तो भी सिंगल आते, क्योंकि यहाँ एक ही RFFE तीन अलग अलग जगह पे जा रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्कीमेटिक से मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप देखिए यहाँ पर RFFE यहाँ पे डाटा क्लॉक आती थी तो आप आगे तीन देखेंगे, 6, 26, 29, मतलब तीन जगह जा रही है। और ये डाटा क्लॉक जो लाइन है अब ये बेसिकली CPU के साथ ये पेज में भी है। यहाँ पर ये 2GPFO है और अगर मैं इसको आगे सर्च करूँ तो आप देखिए तो ये आपका APT मॉड्यूलेटर आ गया है, तो मतलब ये दूसरी IC। तीसरी एक टेबल है आपका, अगर मैं टेबल के बाद हम बात करें हम CPU पे आते तो GPIO का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये CPU से बाहर निकल रहा है। और अगर ये बात करेंगे तो ये 4GPFO का आपका, तो ये RFIC है, 4G RFIC है। सो ये आपकी 2GPFO FEMIC बोलते हैं इसको, फ्रंट एंड मॉड्यूल। सो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे होंगे कि हमारा RFE स्कैनर कुछ इस तरह से काम करता है हमारे बोर्ड में, और हमारे बोर्ड में हमारे ICO को ये बताता है कि ICयां सही हैं या खराब हैं। तो आप देखते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ और से है और किसी और जगह से ये प्रॉब्लम मुझे ये लगती है। तो आइए थोड़ा सा बोर्ड को तो दोस्तों जो मैं बता दूं कि प्रॉब्लम जो कहाँ से है मैं डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारा काम हुआ है और मैंने RFE स्कैन कर लिया है, अभी टेक्नीशियन ने WTR भी चेंज किया होगा, सभी किया होगा, बट बेसिकली नेटवर्क में स्टूडेंट या फिर जो भी टेक्नीशियन है समझ नहीं पाते हैं कि बेसिकली क्या फॉल्ट है। आप नोटिस करो यहाँ पर, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये बोर्ड फूल गया है, ये देखिए ये बोर्ड फूल गया है और फूले बोर्ड में काम करते हैं। ये देखिए नोटिस करो ये बोर्ड पूरा फूल गया है और इस फोन में तो सिर्फ स्वैपिंग होगी, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करेंगे दूसरे किसी अभी हम ये वाला फोन तो बना के दे देंगे, हम इस फोन में CPU और MMC निकाल के दूसरे बोर्ड में लगाकर कस्टमर को देंगे डाटा नेटवर्क के साथ में, क्योंकि इस बोर्ड को तो बना पाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फूल चुका है। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड को बनाना तो बहुत टाइम वेस्ट ही है यहाँ पर। ये देखिए, तो ये चीज टेक्नीशियन नहीं देखते। फिलहाल मैंने इस चीज को आपको बताया और देखो फोन चालू है। अगर मैं इसी बोर्ड की बात करूं तो फोन चालू है, ये देखिए। और बट मेरा आज जो वीडियो बनाने का जो मेरा मैं चाहता था जब कि वीडियो बनाऊं तो वीडियो बेसिकली मैं बनाना चाह रहा था, ये देखिए फोन चालू है। क्यों? क्योंकि बोर्ड जो फूला हुआ है ना दोस्तों,
वो बोर्ड है ना, ये आरएफ आरएफ सेक्शन के साइड में फूला हुआ है। ये देखिए, ये जो बोर्ड फूला हुआ है ना, ये आरएफ सेक्शन के साइड में फूला हुआ है, पर फोन चालू है। पर ठीक है, पर आई होप दोस्तों आपको जानकारी मिली हो आरएफएफई टूल के बारे में। और अगर मैं आपको बताऊं कि इन केस ऐसा होता कि अगर वो दो कोड या तीन कोड में से अगर, तो दोस्तों आई होप कि आपको जानकारी मिली हो आरएफएफई टूल के बारे में। इन केस अगर वो तीन कोड में से एक कोड भी नहीं आता तो मैं पर्टिकुलर एक आईसी पे काम करता। पर क्योंकि मैं आरएफएफई के बाद भी काम करने वाला था, पर मैंने थोड़ा सा जब डायग्नोस किया ज्यादा तो मैंने पाया कि बोर्ड फूला हुआ है। तो जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने आरएफएफई स्कैनर की मदद से आपको एक वीडियो बनाया, पर मैंने वीडियो के बाद में देखा कि कोई मतलब नहीं है इस पे काम करने का। और ये फोन को तो हमें बेसिकली स्वैपिंग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी और टेक्नीशियन ने इस पे पता नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा टेम्परेचर की वजह से आरएफआई से निकालने लगाने के वक्त बोर्ड को फुला दिया है, और वही चीज पे मार्केट टू मार्केट घूम रही है, पर लोग डायग्नोस भी नहीं करते हैं अच्छी तरीके से। खैर, कोई अगर आप देखना चाहते हैं इसकी स्वैपिंग वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। फिलहाल तो मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं एक दो दिन के अंदर बोर्ड बुलवा लूंगा। 7A के बोर्ड बेसिकली कम होते हैं, सबसे ज्यादा मेरे पास जो 8A और 6A इस तरह के बोर्ड पड़े होंगे। बट अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं इस पर वीडियो डाल दूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और आरएफपी के लिए ध्यान रखिएगा, जो भी सवाल है मुझसे सवाल आप कमेंट पे करो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। और एक ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उस ग्रुप में जाके ऐड हो जाओ, और आरएफएफई टूल आप ले सकते हो मेरे से फ्री में, और आप तो कहीं से भी ले सकते हो। आपको अगर कहीं और से मिल जाता तो मेरे ग्रुप में आने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे टेलीकॉम से जुड़ना है इन फ्यूचर, अगर हमसे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आगे की अपेक्षा रखते हो और थोड़ा बहुत अपडेट की अपेक्षा रखते हो और हमारे कंटिन्यूस वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे ग्रुप में आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। एक साथ कहेंगे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। गेट सेट गो। यस सर। एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? यस सर।